हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि एक एक्साइटिंग टूर होने वाला है। आज हम एक लंबी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं जिसमें हम नाइट में कैसे ड्राइव करते हैं उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल सचिन है ड्राइविंग सीट पे और हम लेके जा रहे हैं आज वरना, और उसके बाद में अभी थोड़ी आगे से अपन लेंगे निखिल को और फिर निकल जाएंगे अपनी लॉन्ग ट्रिप के लिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में आगे। तो दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो आपने देख ही लिया, 5:44 हो रहे और अपन निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए। गाड़ी में अभी केवल 27 किलोमीटर गाड़ी चल सके, इतना फ्यूल बचा हुआ है। तो पहले अपन गाड़ी में डलवाएंगे फ्यूल और उसके बाद में इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। निखिल 200 फुट बाईपास पहुँच गया है, वो वहाँ पर अपना वेट कर रहा है, वहाँ से उसे पिक करते हैं और निकल जाते हैं आगे के लिए। तो दोस्तों हर बार ऑफ रोडिंग करने के लिए अपने को लद्दाख जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लद्दाख वाले सारे फीचर्स आपको जयपुर में मिल जाएंगे। ये देखो ये यहाँ की सड़कों की हालत एकदम जबरदस्त हो गई है। दोस्तों गाड़ी के अंदर एंट्री हो गई है हमारे निखिल शर्मा जी की। अरे भैया मोटे पैसे छाप रखे हैं इस आदमी ने इन दिनों, बहुत मोटा, इतना मोटा अपने में नहीं आ रहा मेरे से। अपने निखिल भैया पहुंच गए गाड़ी में, तो अब ये जर्नी अपनी स्टार्ट हो गई है पूरी तरीके से। सचिन ड्राइविंग सीट पे है और ये 200 फुट बाईपास को अब अपन क्रॉस करेंगे। मौसम हो रहा है एकदम सुहावना, टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस। गाने चला नहीं रखे क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। थोड़े सा आपको नज़ारे दिखाते हैं उसके बाद में गाने सुने जाएंगे। तो अपन पहुँच गए पेट्रोल पम्प, अब लोरी को पिलाया जाएगा तेल। यहाँ से गाड़ी का टैंक करेंगे एकदम फुल। फिर ये क्या बाबा, गाड़ी में रेंज बिल्कुल नहीं बची, 12 किलोमीटर की बची है। तो टैंक कराते हैं फुल और निकलते हैं आगे के लिए। तो जयपुर से निकले हुए अभी अपने को 1 घंटा भी नहीं हुआ और अपन 200 फुट बाईपास के जाम पे अटक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। अरे भाई बहुत ही लाल है, तो आगे पूरा ही लाल है भाई। ये देखो आप सब लाल लाल लागे रे। तो इसको पता नहीं अभी 15 मिनट से तो इसी में अटके हुए हैं, थोड़ी देर में इसको क्रॉस करने के बाद ही आगे जा पाएंगे। दोस्तों अपन आ गए अपने पहले टोल के ऊपर। श्रीराम श्रीराम। और वैसे ऐसी सड़क के ऊपर टोल देने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन देना पड़ेगा। गाड़ी का कांच थोड़ा साफ नहीं है, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, इसलिए अपन थोड़ा कैमरे को ओ हो। ये देखो भाई साहब, ये जो आदमी है इसने वाइपर चला दिया है। तो अपन पहुंच गए अपने पहले टोल के ऊपर और कटवाते हैं यहाँ पे 75 रुपए इस सड़क के लिए वो भी। फाइनली दोस्तों अपन ने ट्रैफिक को कर लिया है क्रॉस और निकल गए अपन आगे। अपन ने शायद अभी बगरू क्रॉस किया है और ये जो आदमी आप देख रहे हो जो नीचे मुकर के बैठा है, इसने गर्म हवाएं छोड़ने कर दी है चालू। अब इसको झेलते हुए जाएंगे लेकिन क्या करें, एनर्जी तो पूरी भरी हुई है अपने अंदर और इसकी एनर्जी पीछे से निकल रही है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, चलना पड़ेगा आगे। फाइनली दोस्तों अपन ने किशनगढ़ कर दिया है क्रॉस। अपन किशनगढ़ से अब नसीराबाद वाली रोड पे निकल चुके हैं। ट्रैफिक इतना ज्यादा भी नहीं है लेकिन जयपुर से जब निकले थे तो 80 किलोमीटर में 3 घंटे लग गए। अब चलो आगे देखते हैं कहीं पे अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे डिनर कर सके, वहाँ पे रुकते हैं कंपनी। तो दोस्तों अपन पहुँच गए नसीराबाद, अब अपन इस वाले होटल के अंदर करेंगे डिनर। सचिन का फ़ोन आ गया, वो फ़ोन पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये होटल है, ये इसका एंट्री। गाड़ी अपन ने पार्क कर दी है, टैंक तो वैसे फुल है अपनी गाड़ी का। अब यहाँ पे डिनर करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा मुंबई के लिए। तो चलो चलते हैं अंदर। तो अपन आ गए होटल में और अपन ने ऑर्डर तो दे दिया है और यहाँ पे स्पेशल डिस्कशन चल रहा है इन लोगों के बीच में क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ऑर्डर तो दे दिया है पनीर और सेव भाजी का, खाते हैं फिर बताते हैं आपको होटल का खाना कैसा है। तो अपन ने मंगाया दोस्तों नान, पनीर की सब्जी और नमकीन की सब्जी, रायता अभी आया नहीं।
तो दोस्तों अपना डिनर हो गया है, अब अपन यहाँ से सीधा निकलेंगे उदयपुर के लिए, और उदयपुर में जाने के बाद वहाँ पे पिएंगे एक बढ़िया सी चाय। अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है अभी रात के बज रहे हैं 10:15, और ये होटल है जहाँ पे अपन ने खाना खाया है। खाना ठीक था, न तो ज़्यादा बढ़िया था और न ज़्यादा बुरा था, बस पनीर की सब्ज़ी मीठी थी। और अब ये हाईवे है, इसे पकड़ेंगे सीधा और निकल जाएंगे उदयपुर के लिए। तो दोस्तों अपन ने लमसम क्रॉस कर लिया है 200 किलोमीटर, भीलवाड़ा के पास अपन आ चुके हैं, एनर्जी एकदम फुल है। मेरे साथ बैठे हैं निखिल भैया, पीछे बैठा है सचिन, अपन चला रहे हैं गाड़ी। गाड़ी एवरेज दे रही है अभी 17.2 का, पेट्रोल में है। तो अब अपने को थोड़ा सा दूर चलेंगे अपन, उसके बाद पियेंगे बढ़िया सी चाय और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों अब अपन रुक गए हैं श्री जोगनिया रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे पियेंगे बड़ी ऐसी चाय, उसके बाद अपन चलेंगे सीधा उदयपुर के लिए। उदयपुर के लिए निकल जाएंगे, उदयपुर अभी भी यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है, और फ्यूल तो गाड़ी में ऑलरेडी अपन ने डलवा ही रखा है, बट अब अपने को ये देखना है कि कितना टाइम लगेगा उदयपुर के लिए, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा पहाड़ी एरिया भी आएगा। और टाइम जो हो रहा है अभी लमसम 12:45 के आसपास हो रहा है, बट आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि गाड़ी अपने को तेज़ चलानी नहीं है, नॉर्मल स्पीड में चलेंगे तो टाइम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हमारे सचिन जी पूरे तैयार हो गए हैं, अभी चाय वाय पियेंगे, उसके बाद अब ये ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 1:26 हो रहे हैं, अपन आ गए हैं उदयपुर के आसपास। बीच में मैं थोड़ा सा सो गया था, थोड़ा सा क्या आराम से 1.5 घंटे सो जाऊँ। अब बारी है हमारे निक्कू की, देख रहे हो आप इसकी एक्टिंग, सोने की कितनी बढ़िया कर रहा है ये। सचिन गाड़ी चला रहा है अभी भी, आपका भाई हाजिर है सोने के बाद में। अब आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद आगे, वहाँ पर पियेंगे एक बढ़िया सी चाय, क्योंकि अपन चस गए हैं, नींद आ गई थी अपने को, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सड़क की हालत है ये, सड़क के ऊपर कोई भी नहीं है, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है अपन ने, टैंक पहले फुल करवा लिया था, कहीं पे ऐसी जगह पर रुक नहीं रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं हो, सड़क पे बिल्कुल रुकने का काम ही नहीं है। तो सफ़र के मज़े लिए जा रहे हैं, अब थोड़ा सा सोने के बाद एनर्जी एकदम फुल फ्लैश आ गई है अपने अंदर, अब अपन सोएंगे 4 बजे के आसपास, तब तक निखिल सो लेगा 2 घंटे और 2 घंटे सो लेगा सचिन, उसके बाद अपना राउंड आ जाएगा वापस से सोने का। तो फाइनली दोस्तों अपना स्वागत है उदयपुर के अंदर, अपन उदयपुर आ गए हैं, और अब अपन उदयपुर से सीधा ले लेंगे सामलाजी वाला रास्ता, और अपन एंटर करेंगे उसके बाद में गुजरात के अंदर। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:45, रोडों का काम शायद यहाँ पे पहले चल रहा था, अभी भी चल रहा होगा, वो अपने वो थोड़ा देर आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों अभी भी अपन झूल रहे हैं उदयपुर में ही, सड़कों की हालत एकदम खराब हो चुकी है, एकदम थर्ड क्लास। अब यहाँ से निकलने में अभी मेरे को लग रहा है 15-20 मिनट लग जाएगी, और ये ऐसे रेंग के ट्रक चल रहे हैं सामने, हालत बहुत खराब है रोडों के यार, काम करवाना चाहिए रोडों का, नहीं तो बैंड बच जाएगी, आप तो सीट पर बैठे बैठे ही। लेकिन दोस्तों टेंशन मत करो, अपन एकदम फुली चार्ज्ड है, अपन मुंबई में जाके ही दम लेंगे। अब तो दोस्तों अपन गुजरात में एंटर कर गए हैं, अब अपन ने पी ली है बढ़िया सी चाय, अपन पूरे चार्ज हो गए हैं, अब गाड़ी की चाबी आ गई मेरे हाथ में, अब गाड़ी चलाऊंगा मैं। और ये हमारे निखिल भाई यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं बिल्कुल बढ़िया, और इस पापी आदमी ने खुद के हिस्से की नींद पूरी कर ली, खर्राटे पूरे मारे हैं इसने, और मेरे हिस्से की नींद पर धोखा किया है धोखा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ को आप पूरा देखना, मज़ेदार रहेगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।